हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नेटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपके लिए कितना सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना इसे उतना ही आसान है। ये फ्रंट साइड से ऐसे नज़र आएगा और बैक साइड से ये देखिए बिल्कुल साफ पता चल रहा है कहाँ पे हमने सीधे डाले हैं, कहाँ पे हमने उल्टे बनाए हैं, बिल्कुल साफ पता चल रहा है। इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स आप किसी भी कलर में बना लें, लाइट कलर में, डार्क कलर में, किसी भी कलर में बना लें, हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। किसी भी प्रोजेक्ट पे डालेंगे, लेडीज़ स्वेटर, जेंट्स हाफ बाजू स्वेटर, फुल बाजू स्वेटर, जैकेट, बच्चों का स्वेटर, फ्रॉक, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन में। बिल्कुल ईजी डिज़ाइन है, हर प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे लेने होंगे, 8 के मल्टीपल से फंदे लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8, 8 करके आप डालते जाएंगे। लास्ट में ये वाले 3 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे और 2 फंदे आप एस स्टिच के लिए डालेंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। इसको बनाने के लिए पहले आप बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक सीधा एक उल्टा ऐसा बॉर्डर बनाया। अगर आपने कोई और बॉर्डर बनाना है तो बना सकते हैं अपनी मनपसंद का। बॉर्डर बनाने के बाद अगर आपको बॉर्डर पर फंदे बढ़ाने हैं तो आप लास्ट रो में यहाँ पे फंदे बढ़ा सकते हैं, लास्ट रो में, उल्टी रो में, क्योंकि सीधे साइड से फिर हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो इसलिए उल्टी रो में जितने फंदे बढ़ाने हैं आप उल्टी रो में बढ़ा लें। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा बोल बोल के रिपीट करती जाऊँगी, आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से ये डिज़ाइन बनता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए आप भी पहले 8 के मल्टीपल से फंदे डाल लें, 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लें और 2 फंदे एस स्टिच के लिए डाल लें, तो और मेरे साथ साथ ही बनाएं। तो चलो इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो फिर इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। ये देखिए मैंने 8 के मल्टीपल से फंदे डाल लिए हैं, 8 + 8 + 3 + 2 ऐसे करके मैंने फंदे डाल लिए हैं। डिज़ाइन के फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो में सबसे पहले एस स्टिच सीधा बना लिया, अब 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 ये देखिए 8 फंदों का डिज़ाइन, 3 उल्टे 5 सीधे, ऐसे ही आगे आगे रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे उल्टे बनाते जाएंगे, 5 फंदे सीधे बनाते जाएंगे। लास्ट में 3 फंदे उल्टे और एस स्टिच हमें सीधा निकालना है, सीधा निकालना है। उल्टी रो में जो फंदे हमें जैसे नज़र आ रहे हैं, जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे। 3 फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं, सीधे बनाएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट। थर्ड रो हम फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, पहला फंदा स्किप करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही बनाएंगे।
फोर्थ रो सेकंड रो की तरह बनाएंगे, तीन फंदे सीधे पांच फंदे उल्टे। फोर्थ रो कंप्लीट। फिफ्थ रो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्किप करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। अब तीन फंदे आगे की तरफ से, ये देखिए आगे की तरफ से ऐसे निकालेंगे, फिर इन्हें ऐसे घुमाएंगे, घुमा के इस सिलाई पे ले आएंगे और दो फंदे इस साइड के ध्यान से लेना है। ये देखिए पांच फंदे हमने दोनों सिलाइयों पे ले ले, थोड़ा लूज़ कर लेंगे। अब इन पांच फंदों के हम पांच फंदे बनाएंगे, एक ऐसे थोड़ा लूज़ रखेंगे, एक दो, फिर से इन्हीं में से पांच फंदों के पांच फंदे बनाने हैं, तीन चार, फिर से इन्हीं में से थोड़ी मुश्किल आएगी बनाने में, पांच में से पांच निकालने में, पर हमने पांच में से पांच ही निकालने हैं। ये देखिए पांच में से पांच फंदे बना लिए, फिर इन्हें हम छोड़ देंगे। ये देखिए फिर आगे वाले तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर से आगे की तरफ से तीन फंदों को निकाल लेंगे। ये देखिए तीन फंदों को ऐसे निकाल लेंगे, फिर दूसरे ऐसे घुमा के इस सिलाई पे लेंगे, फिर तीन फंदे आगे से। ये देखिए पांच के पांच फंदे बन गए। अब पांच में से पांच ही हमें बनाने हैं, तो पहले सीधा करके निकालेंगे, सीधा फंदा निकाला, फिर से हम सीधा निकाला, एक बल दिया, दूसरा फंदा बन गया, फिर से यहीं से निकालेंगे, एक बार बनना स्टार्ट हो गया तो फिर आसानी रहेगी। तीन तीन, फिर से चार, फिर से इन्हीं पांच फंदों को फिर से हमने बनाना सीधा। फ्रेंड्स इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको आप, ये देखिए क्रोशिया से भी, क्रोशिया हुक से भी धागा पीछे किया, इन पांच फंदों को, ये देखिए इन पांच फंदों को हम ऐसे क्रोशिया पे ले लेंगे, देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्रोशिया पे ले लिया, एक बार निकाला, एक बार निकाला, दूसरा फंदा, फिर से इन्हीं में से इन्हीं पांच फंदों को पांच फंदों में ही हमने लेना है। तीन, फिर से चार, फिर से हम ऐसे ही निकालेंगे, पांच फंदों में से पांच फंदे बना लिए। ये देखिए पांच फंदों में से पांच फंदे बना लिए, फिर इसे छोड़ देंगे, फिर इन पांच फंदों को इस वाली सिलाई पे ले लेंगे, ये देखिए एक दो तीन चार,
पाँच, फिर इस सिलाई पे लेके धागा आगे करेंगे, फिर पाँच तीन फंदे उल्टे, स्टिच हम सीधा निकालेंगे। ये डिज़ाइन की फिफ्थ रो थी। फिर से पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर से हम तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार पाँच, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, स्टिच सीधा। ये देखिए, अब फिर से हमें फोर रो जो सीधे नज़र आ रहे हैं सीधे बनाएंगे, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे, फोर रो बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फोर रो बना के मैंने कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे, ये फिफ्थ रो की तरह बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से इन तीन फंदों को सीधे तरफ से निकाल लेंगे, ऐसे घुमा के इस सिलाई पे ले लेंगे, और दो फंदे आगे वाले भी हम इस सिलाई पे ले लेंगे, फिर पांच फंदों के पांच फंदे बनाएंगे, एक एक दो तीन तीन चार पाँच, पांच फंदों के पांच फंदे बन गए, फिर इन्हें निकाल देंगे, फिर से तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से आगे की तरफ से तीन फंदे निकाल लेंगे, ऐसे इस सिलाई पे ले लेंगे, दो आगे वाले फंदे ले लेंगे, ये देखिए, फिर से इन पांच फंदों के हम पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदों के पांच फंदे बन गए, तीन फंदे उल्टे, उल्टी रो में जो फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लेंगे, जो फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, ये पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, तीन फंदे जो सीधे नज़र आ रहे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, तीन फंदे सीधे, स्टिच हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे बनता जाएगा ये डिज़ाइन, अगर आप इसको पूरे प्रोजेक्ट पे डालोगे तो ये ऐसे बन के आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।